दोस्तों राजस्थान टीम के खिलाफ हारने के बावजूद भी आरसीबी टीम के फैंस को मिली बड़ी खुशखबरी। आरसीबी की टीम पहुंची हारने के बावजूद भी आईपीएल 2024 के फाइनल में। दोस्तों आप भी देखना चाहते हो आखिरकार आरसीबी के साथ ये चमत्कार कैसे हुआ और किस नियम से आरसीबी पहुंची आईपीएल के फाइनल में। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया आरसीबी और राजस्थान टीम के बीच में और ये करो या मरो वाला मुकाबला था, जिसमें आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बना पाई मात्र 172 रन, जिसमें ओपनिंग करते हुए विराट कोहली ने 33 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली तो वही रजत पाटीदार ने 34 रन का योगदान दिया। 22 गेंदों में महिपाल लोमरोन ने 17 गेंदों में 32 रन की पारी खेल डाली। राजस्थान टीम की ओर से आवेश खान ने 3 विकेट चटकाए, अश्विन ने 2 विकेट चटकाए। दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान की टीम मैदान पर आई। राजस्थान टीम को पहला झटका लगा 46 रन पे और दोस्तों उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 45 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली 30 गेंदों में। फिर दोस्तों संजू सैमसन मात्र 17 रन के स्कोर पे आउट हो गए। मार दोस्तों अंत में रियान पराग और हेटमैन ने इस मुकाबले को जिता दिया राजस्थान रॉयल्स की टीम को। और दोस्तों इसी के साथ आरसीबी की टीम आईपीएल 2024 से बाहर हो चुकी है।